हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम बात करेंगे आपका 2018 बैच डीएलएड का और 2019 बैच डीएलएड का। लिखा कि वजह से कोविड-19 की वजह से जो आने वाले आपके सेमेस्टर्स हैं वो भी अफेक्टेड होंगे, कहीं ना कहीं प्रभावित होंगे, और ऐसे में आपको अगले सेमेस्टर की परीक्षा के लिए बहुत ही कम समय मिलने वाला है। तो कुछ चीज़ों को लेकर के आपको मैं आगाह यहाँ पर किए दे रहा हूँ इस पर्टिकुलर वीडियो से, लास्ट तक बने रहिएगा। आपको मैं बता दूँ, जब आप बात करते हो 2018 बैच को लेकर के, तो अभी तक उनकी थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं हो जानी चाहिए थी, और ऐसे में क्योंकि जो चौथा सेमेस्टर है उनका जो प्रशिक्षण है यानी उनकी जो पढ़ाई है वो 6 जनवरी 2020 से शुरू हो चुकी है। ऐसे ही जब आप बात करते हो 2019 बैच को लेकर के, तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर अब तक हो जाना चाहिए। जो उनका सेकेंड सेमेस्टर है उसका भी परीक्षण जो है वो आपका लगभग 2 से 2.5 महीना आपका बीत चुका है, कम्प्लीट हो चुका है। और आपको मैं बता दूँ कि ऐसे में आपकी जो परीक्षाएं हैं, ये भी कहा गया है कि 15 मई तक जो है वो पूरी तरीके से नहीं होने वाली, क्योंकि आपके जितने भी शिक्षण संस्थान हैं वो बंद रहेंगे। तो वो बंद रहेंगे, गैदरिंग नहीं होगी, आपकी परीक्षा नहीं होगी। और ऐसे में जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा, इस चीज़ को आप ध्यान में ज़रूर रख लें। वो ये नहीं कहेंगे कि कोविड-19 से जो है प्रभावित है और बाकी सारी चीज़ें। आपको अगर 6 महीने का प्रशिक्षण होता है तो अगर आपको 2 महीने भी मिलते हैं, 3 महीने, तो भी वो 2 या 3 महीने में आपके एग्ज़ाम वो करवा देंगे। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, जो भी चीज़ें पढ़ें, अभी आप लोग लॉकडाउन वाली बात चल रही है, लॉकडाउन है और बाकी सारी चीज़ें, मैं वीडियोज़ को इसलिए अभी बुलेट रिवीजन भी मैंने बंद कर रखा है, क्योंकि आप लोगों का जो एक तरीके से आना चैनल पे, पढ़ना बिल्कुल से बंद है। ठीक है, आप लोग अभी पढ़ाई पर पूरी तरीके से ध्यान नहीं दे रहे हो, यही चीज़ आपके लिए सोचनीय हो जाएगी भविष्य में। तो आप अभी से चाहे थोड़ा थोड़ा ही करिए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप चौथा सेमेस्टर 2018 बैच, 2019 बैच, द्वितीय सेमेस्टर, ये दोनों ही आप लोग अपनी पढ़ाई कहीं से भी, यहाँ चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर आपको सब कुछ मिलेगा, यहीं से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहीं भी आपको बुक्स खरीदने की, वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ाई आप जारी रखिए, क्योंकि अगले सेमेस्टर में आपको समय जो है वो नहीं मिलने वाला। थर्ड सेमेस्टर का पेपर होगा और हो सकता है उसके 1.5-2 महीने बाद आपका जो है वो चौथा सेमेस्टर 2018 बैच और 2019 बैच आपका द्वितीय सेमेस्टर के एग्ज़ाम करवा दिए जाएँ। तो पढ़ाई आप अपनी पूरी तरीके से जारी रखिए। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। इस वीडियो को भी आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों सहपाठियों के साथ में, जो भी आपका ग्रुप्स वगैरह है, जैसे कि वहाँ भी ये सूचना सभी तक पहुँच जाए, सभी को इसके बारे में पता चले, वो चाहे, और फिर जो स्टूडेंट हैं, जो प्रशिक्षु हैं, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही करके लेकिन अपनी पढ़ाई को शुरू रखें, जारी रखें। बैक नहीं आनी चाहिए, अदरवाइज़ कोई भी भर्ती अगर बीच में निकल करके आती है तो आप बहुत पीछे रह जाओगे, अगर एक भी बैक आपकी आती है तो। हम आपसे मिलते हैं एक और वीडियो में जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का, तब तक के लिए।